नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम तर्कश में आपका स्वागत है। तर्कश में आज हमारे सवालों के तीरों का सामना कर रही हैं उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश। इंदिरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब तो मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विकास की गाड़ी जो आप लोग बता रहे थे कि केंद्र ने रोक दिया, वो सरपट दौड़नी चाहिए। अब आप लोगों के पास अपना बजट है, सब कुछ है, अब चुनावी मोड में आ रहे हैं आप लोग। क्या लग रहा है, 2-3-4 महीने बाद चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो क्या बजट का जो संकट था वो दूर हो गया? अब एक बार फिर से रफ्तार आप लोगों की सरकार ने, विभागों ने पकड़ ली है? देखिए, भारत सरकार की ओर से हमें मदद नहीं है। हमारे पास तो जो बजट है वो हमारे संसाधन का बजट है, वो पर्याप्त नहीं होता है बढ़ती हुई आवश्यकताओं के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से। जैसे आपदा आई तो उसमें भारत सरकार की मदद होनी चाहिए, जैसे कुंभ है उसमें भारत सरकार की मदद होनी चाहिए, पर भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। अभी जब मुख्यमंत्री जी गए थे तो मैंने पूछा कुछ मिलने की उम्मीद है, बोले 500 करोड़ तो नहीं देंगे पर शायद 100 करोड़ दें, पर उन्होंने कोई करोड़ नहीं दिया है। तो इसलिए जो हम डेवलपमेंट के लिए आपदा प्रबंधन में पैसा खर्च कर सकते वो नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वो कष्ट हुए जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं, लेकिन रूटीन वर्क में अब हमारा बजट रिलीज हो गया है, हमने विभागों को बांट दिया है, वो काम चल रहा है। उसमें कहीं पैसे की यदि कमी आएगी तो नाबार्ड आदि से बाहरी स्रोतों से पैसा लेके पूरा करेंगे। तो अब काम ने रफ्तार पकड़ी है, मुख्यमंत्री भी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपने आपदा का जिक्र किया, आप लोग चाहते हैं कि आपदा को लेकर के, या आपदा जब उत्तराखंड में आए तो केंद्र सरकार बहुत संवेदनशील हो, मदद को आगे आए, जागरूक हो करके, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग की हालत ये है कि उसको कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। आपके माननीय मुख्यमंत्री वो विभाग माननीय यशपाल आर्य जी को देते हैं, वो इनकार कर देते हैं, तो आपदा को लेकर आप लोग कितने संजीदा हैं उसका तो पता चल जाता है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग मुख्यमंत्रियों के ही पास था, पहले यशपाल जी पर था, पर बहुना जी ने अपने समय में ले लिया था उसे। अब मैं नहीं जानती किन कारणों से मुख्यमंत्री जी ने वो विभाग उनको दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये बात यशपाल आर्य जी की मुझे ठीक लिखी, वित्तीय अधिकार विशेष अधिकार प्राप्त मुख्यमंत्री होता है, आपदा की स्थिति में अचानक पैसा रिलीज करके खर्च करा दे, ये ताकत मुख्यमंत्री की होती है। तो मुख्यमंत्री ही आपदा प्रबंधन को देख सकते हैं कायदे से और उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में मंत्री को विभाग देना, चुनाव सामने है, कल को कोई क्राइसिस सामने आ जाए, लोग दरवाजे पे खड़े होंगे मदद के लिए, मंत्री जी के हाथ में पैसा नहीं है, तो ये तो एक तरह से, ये क्या आप लोगों की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? हो सकता है उनके कोई कमिटमेंट हो, मैंने इस पर बहुत जानने की कोशिश नहीं की। नहीं, कमिटमेंट की जहाँ तक बात, इसी कमिटमेंट के पिछला जो विस्तार हुआ मैडम, उसमें दो नए मंत्री आए, उनको विभाग दिए गए, उसके अलावा फिर से ताकत मजबूत की गई पीडीएफ कोटे के मंत्रियों की, उनको भी एक एडिशनल विभाग दिए गए, और आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यशपाल आर्य को एक विभाग दिया गया था। पीडीएफ के लोगों कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको मन चाहे जो उनका कमिटमेंट था वो विभाग उनको मिल गए होंगे, इसलिए वो शांत हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने विभागों में काम कर रहे हैं। तो क्या एक कमिटमेंट आपदा प्रबंधन विभाग की बजाय किसी दूसरे विभाग का था, लेकिन डैमेज कंट्रोल करने के लिए विभाग थमा दिया, फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई? हो सकता है कोई दूसरा विभाग उन्होंने कहा हो और इन्होंने आपदा प्रबंधन दिया हो, ये बात ना मैं यशपाल आर्य जी से पूछी ना मुख्यमंत्री जी से। लोगों ने कहा आप तो, मैं आप चूँकि इस वक्त आपको भी बहुत उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि इंदिरा हृदयेश जी हरीश रावत के बहुत नज़दीक हैं, सरकार में पावरफुल हैं, और जो 55 दिन की क्राइसिस में भी जो आपकी भूमिका रही सरकार को बचाने को लेकर के, ऐसे में ये चर्चा तो बाहर तो ये चल रहे हैं कि यशपाल आर्य को मनाने के लिए आपने भी प्रयास किए हैं। नहीं, मेरी यशपाल आर्य जी से केवल मैंने उनसे ये कहा था कि आपने बेइज्जत ये विभाग लौटा दिया है, कोई कारण, किसी मीटिंग में थे तो उन्होंने हाँ कहा, बस इसके बाद कोई बात नहीं। अगर मैं पूछती तो हो सकता वो कहते, मैंने मुख्यमंत्री से भी नहीं पूछा, मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं मिली कि भाई आपने दिया, केवल फ़ोन पर कहा था मैंने, अखबार में फ्रंट पेज छपा है कि उन्होंने बेइज्जत आपको विभाग वापस कर दिया है। तो अब मैंने कहा तो अमर उजाला के फ्रंट पेज पे तो सब जगह छपा होगा, देहरादून की न्यूज़ है। ये जिस तरह से कहा, आपने कहा कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर इंदिरा हृदयेश से भी कुछ कमिटमेंट हुआ था उस 55 दिन की क्राइसिस में, क्योंकि जिस तरह से तिवारी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग आपने चलाया, उसको लेकर के ये भी चर्चाएं रही सियासी गलियारों में कि पीडब्ल्यूडी विभाग इस एक्सपेंशन में इंदिरा हृदयेश को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कोई कमिटमेंट नहीं था ऐसा? देखिए, मेरे से मैंने ना मांगा था ना मुझसे कोई कमिटमेंट था, पीडब्ल्यूडी विभाग मुझे देने से
ये फ़ायदा होता, विकास की रफ्तार दिखाई देती। स्वाभाविक है मुख्यमंत्री पर इतना काम होता है, वो किसी एक विभाग को नहीं चला सकते। मेरे पास उस समय PWD था, तो मैं सुबह 6 बजे से रात लेकर रात के 11 बजे तक इतने फ़ोन करती थी हर इंजीनियर, हर इलाके को, विधायकों को, मंत्रियों को, कि भाई तुम्हारे यहाँ बन रहा नहीं, बन रहा ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं कि करना नहीं चाहते हो। पहले विजय बहुगुणा ने इस चीज़ को नहीं समझा, फिर हरीश भी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैंने कहा कि आप सड़क नहीं बना पाओगे, तो उन्होंने नहीं समझा। इनसे भी कहा, मैंने दोनों से कहा कि पिछला उदाहरण रहा, इतिहास रहा, कि सड़कें केवल मेरे कार्यकाल में बनी जब नारायण दत्त तिवारी के, आप लोग दोनों नहीं बना पाओगे। अब उसके बाद जब उनकी इच्छा नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुख्यमंत्री जी को लगता हो कि वो इसमें और अच्छा कर लेंगे और आप शायद एक उतना अच्छा नहीं कर पाए, आपकी क्षमताओं पे भी संदेह है। सब मुख्यमंत्रियों को ये पता है कि इंदिरा जी के पास अच्छी क्षमता है, रावत जी को भी पता है, बहुगुणा जी को भी पता था। विभाग तो नहीं मिल रहा ना, चुनाव आ गए तो ये उनकी उनके अपने मोह होंगे, इसे मोह कहते हैं, विभागों के प्रति मोह हो सकते हैं। मैं तो, यदि चमक होती है तो पूरे राज्य को और सबको फायदा होता है। सड़क से एक सरकार के विकास का आईना दिखता है। जिस समय मैं बना रही थी, उस समय जो लोग बाहर से आते थे यहाँ, तो वो कहते थे, तिवारी जी मुझसे कहते थे, लोग कहते हैं कि भाई वो विकास हो रहा है, एकदम तुरंत कहते थे। स्वाभाविक है कोई भी मुख्यमंत्री रखेगा, हरीश रावत जी कुछ बहुगुणा जी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो फॉलोअप उतना नहीं कर पाएगा, कितनी भी कोशिश करे। और दफ्तर के मीटिंग में बैठने से सड़क नहीं फॉलोअप हो सकती, ये मेरा तजुर्बा है। सही समय पर टेंडर निकला, फिर गया, जिसे मिला वो काम कर रहा नहीं कर रहा, नहीं तो ब्लैकलिस्टेड कर दो, ये काम नहीं कर सकते। ये विभाग तो ऐसा किसी एक व्यक्ति को बिल्कुल डिवोट कर दिया जाए इस पर, तो वो ठीक है, मैं अपने को जो काम मिला उसी दिशा में काम कर रहे हैं। 56 दिन की जो क्राइसिस चली मैडम, उसके बाद आप लोग सत्ता में फिर से आए, ये चर्चाएं होने लगी कि कांग्रेस की सरकार को लेकर के पूरे प्रदेश में एक सहानुभूति है, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से आप लोगों की सरकार चली, कुछ कांग्रेस के तरफ से लोग बोलते हैं, आपकी सरकार की तरफ से कोई मंत्री विभाग नहीं लेता है, कोई कहता है कि भाई हमको वो मनमाफिक विभाग नहीं मिल रहा है, हम उसमें अच्छा करें, तो ऐसा लग रहा है कि जो इम्प्रेशन बना था, जो मैसेज आप लोगों ने उस क्राइसिस में दिया था, उस वो कहीं ना कहीं मैसेज थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगा है, डायल्यूट होने लगा है। देखा, ऐसा नहीं, जिस समय सरकार गई और उसके बाद आई तो सभी लोग एकजुट थे। जब एकजुट होते हैं तो उनके मन में अपनी कुछ अपेक्षाएँ होती हैं कि अब गति से होगा, चुनाव आ रहा है, सब चिंतित हैं, मेरा काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे पास कई विधायक आते हैं कि साहब समीक्षा बैठक सब हो गई, जियो नहीं निकल रहा है, तो मैंने कहा ऐसे नहीं निकलेगा, दौड़ के जाओ तब निकलेगा, कोई आदमी लगाओ तब निकलेगा। तो अनुभव के आधार पर भी होता है, बहुत से विधायक इतने होशियार होते हैं पहले ही वर्ष में आके सब जियो निकलवा लेते हैं, बहुत से नहीं निकलवा पाते, मेरे पास आते रहते हैं तो मैं गाइड करती रहती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भेद मतभेद के क्यों एकता टूटी क्यों वो जो 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 18 मार्च क्राइसिस के बाद जो यूनिटी, पॉलिटिकल यूनिटी आप लोगों में दिख रही थी और आप लोगों ने तय किया था कि भाई नहीं, हम बागियों को, भाजपा को हराएंगे, ये लड़ाई जीतेंगे, वो जीते भी, लेकिन वो यूनिटी जैसे ही सत्ता में आप लोग लौटे उसके अगले दिन से वो धीरे 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 थोड़ी सी कमज़ोर सी पड़ने लगी। यार चुनाव सामने आ रहा है, चिंता का विषय तो है। देखिए, यूनिटी नहीं टूटी क्योंकि एकदम चुनाव सामने आ गया, तो चाहे मंत्री हो या विधायक, उसकी चिंता है कि जितने कमिटमेंट मैंने अपने क्षेत्र में किए वो पूरे हो नहीं रहे, क्योंकि मेरे पास दिन भर बैठते हैं विधायक। अब उसके लिए मुख्यमंत्री भी जाता है, मुख्यमंत्री भी कर देते हैं उनके काम, चीफ सेक्रेटरी ने भी बैठक लिए कर दिया। अब जियो तो नहीं निकलेगा, जियो तो नहीं निकालेगा, चीफ सेक्रेटरी कह ही तो सकता है। मैंने कई को कहा खुद जाकर इसको फॉलोअप करो, फॉलोअप से काम हो जाता है। तो यूनिटी टूटने के पीछे ही कारण, यूनिटी टूटने के पीछे नहीं, या यूनिटी में कुछ ऐसा लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है कि चुनाव नज़दीक आ गया तो बेचैन है सब कि हमारा काम हो जाए। उस काम के लिए ये मशीनरी भी बनाई मुख्यमंत्री ने कि चीफ सेक्रेटरी के साथ दो दो करके सबकी बैठक की, बैठक से वो संतुष्ट हुए, लेकिन उसके रिजल्ट के लिए अब भी परेशान है। पूरी कांग्रेस में या सरकार में वो बेचैनी दिख रही है, जिस तरह से आपने मतीन सिद्दीकी साहब को हल्द्वानी में ज्वाइन कर खुद को मजबूत किया, आप चर्चाएं हैं कि भाई इंदिरा जी ने अपनी सीट को पक्का कर लिया है, तो आप तो पहले से ही अपने आप को मजबूत बता रही थी, तो मतीन सिद्दीकी के वो 15-20 हज़ार वोट की मदद की इस वक्त आपको क्यों ज़रूरत है? हमेशा चुनाव एक ऐसी चीज़ है, पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। अगर कहीं आपकी कमज़ोर कड़ी है, उसे आप जोड़ सकते हैं, तो प्रयास करना चाहिए। एक दिन का प्रयास नहीं, लगातार बातचीत हो रही थी, एक साल के बाद लगभग ये मेटेरियलाइज हुआ,
और ये सही है कि मतीन सिद्दीकी मुस्लिम वोट को पोलराइज करने में सफल रहे हैं, यद्यपि सपा का कोई बड़ा जनाधार यहाँ नहीं है और कोई चुनाव जीतने की स्थिति में भी नहीं है। और वो भी ये जानते थे कि इलेक्शन तो हम जीत जाएंगे, लेकिन हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनसे बात की कांग्रेस में आकर उनको भी लाभ हो सकता है, क्योंकि माइनॉरिटी की एक पकड़ है। हमारे यहाँ कम से कम 28 से 30 हज़ार वोट मुस्लिम का है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक माना जाता है, और उसका अच्छा हिस्सा उनके पक्ष में पोलराइज होता था। ये बातचीत चल रही थी। अब ये सही है आज की स्थिति में मतीन सिद्दीकी के आ जाने से अब और लोगों को सोचना पड़ रहा है कि चुनाव कौन लड़े। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं को आधार बना लेती थी, और कितने सैकड़ों फोन उनके पास भी आ चुके, और दबाव कम हो गया। हालांकि मेरे साथ सब तरह के वोट है, मुझे कहने में कोई, लेकिन आपको तो ताकत मिली मतीन सिद्दीकी को, क्या मिलेगा कांग्रेस में? आप लोग कैसे उनको समायोजित करेंगे? देखिए, मतीन सिद्दीकी से पहले ही जब हुआ था कि हम आपको सम्मान देंगे, और अभी जब आप आएंगे और हमारा आपका मेल मिलाप हो जाएगा, तो भविष्य में आपको अकोमोडेट भी करेंगे, यही बात हुई। और अभी तत्काल हम कर भी नहीं सकते थे, हमने कोई बात झूठ नहीं बोली। रिश्ते तभी लंबे कायम रहते हैं जब सच बात बोलें। हमने कहा आप आएंगे, आपको ऑनर देगा, आज ही उनको दायित्व भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, तो वो मिल जाएगा आज 6 बजे तक। कुछ चर्चाएं जो पिछले दिनों कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई उस पर भी हुई कि देहरादून जिले से एक जिले से 3 मंत्री बना दिए, हरिद्वार जिले का प्रतिनिधित्व निभा, फुरकान की नाराज़गी भी आई, ममता राकेश की भी नाराज़गी की बात आई थी, तो वो क्या आप लोगों के लिए आगे चल के हरिद्वार जैसे ज़िले में जहाँ 11 सीटें हैं उस ज़िले में आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं हो सकती? नहीं, देखिए, केवल एक को मंत्री बना देने से वहाँ समाधान नहीं था। फुरकान की अपनी दूसरी मांग थी कि मैं माइनॉरिटी का हूँ, मुझे बनाइए। और ममता राकेश का कहना था कि मेरे पति मंत्री रहे तो यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन उनसे बात हो गई, उन्हें समझा दिया गया इस समय चीज़ें सामान्य हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन बार बार बीजेपी बोलती है, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने बोला है कि भाई कांग्रेस के 3-4 विधायक हैं जो लगातार संपर्क में हैं, समय आने पर वो करेंगे। एक तरफ इशारा पिथौरागढ़ की तरफ किया जाता है, वहाँ मयूख मेहर की नाराज़गी की बात है, और एक दो विधायक वहाँ से नाराज़गी की बात है, यहाँ बार बार यशपाल आर्य के नाराज़गी की बात होती है, डॉक्टर जीतराम की बात होती है, तो ऐसे में ये आप लोगों को कितना इसकी कितनी चिंता रहती है जब इस तरह की चीज़ें भाजपा की तरफ से सामने आती हैं? भाजपा का एक चरित्र है, वो अफवाह फैला कर कुछ बटोरना चाहते हैं। जब उन्होंने पिथौरागढ़ के मयूख मेहरात की बात की, मैंने खुद फ़ोन करके उन्हें फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा नाम, उसने उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं उठता, परसों मुझे यहाँ मिल गया वो मुख्यमंत्री क्या। मैंने कहा भैया बुद्धिमानी से रहना, तो बिल्कुल कोई नहीं जा रहा है, एक भी विधायक इनके संपर्क में नहीं है। ये उन विधायकों का नाम ले लेते हैं जो कभी कभी अपनी नाराज़गी दिखा देते हैं। मयूख मेहर काफ़ी पॉपुलर विधायक है, वो कभी कभी अपनी नाराज़गी दिखा देते हैं, कभी सड़क को लेकर, कभी अन्य चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने उनका नाम ले दिया। मेरे ख्याल इनमें से कोई उनसे मिल भी नहीं सकता है। एक अच्छी पहल आपके कांग्रेस के संगठन ने की, कांग्रेस के संगठन ने कहा कि भाई हम लोग जो है वो करप्शन से लड़ेंगे, और एंटी करप्शन जो है कांग्रेस की विंग उन्होंने खड़ी कर दी है। आप लोग सरकार में विंग खड़ी कर रहे हैं, एंटी माइनिंग की विंग खड़ी कर रहे हैं, फिर तमाम तरह की माइनिंग की, इलीगल माइनिंग की बातें आती रहती हैं। अब किशोर उपाध्याय जी आप लोगों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे, बीजेपी अलग से पर्दाफाश कर रही है, संगठन आपके पीछे पड़ा हुआ, ये हो क्या रहा है? चुनाव से पहले कांग्रेस में 4.5 साल बाद, 4.5 साल बाद किशोर उपाध्याय जी को लगता है कि नहीं अब हमें एंटी करप्शन क्रूसेडर के तौर पर उभरना चाहिए, तो आपकी सरकार है इस राज्य में 4.5 साल से, किसके भ्रष्टाचार को आप लोग उजागर करवाना चाह रहे हैं अपने संगठन के? किशोर उपाध्याय की बात को कुछ तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत हो गई। किशोर उपाध्याय का उसके पीछे आशय ये था कि हर विधायक और हर मंत्री, उसके पास जो भी संपत्ति है उनका विवरण वो संगठन को भी दे, वहाँ तो देना ही पड़ता है, चुनाव के समय भी देना पड़ता है, दे। तो अब तक विधायक वैसे नहीं देते थे, मंत्री तो देते ही थे, तो ये वो चाहते थे, ये कोई गलत बात नहीं है। उसके पीछे वो चाहते थे कि भाई अगर भविष्य में एसेट्स बढ़ते हैं तो उनका आधार भी होना चाहिए, इसके पीछे उनका था। तो इस पर तो मुख्यमंत्री भी सहमत थे और मैं स्वयं भी सहमत। हाँ, वो बात तो उन्होंने अध्यक्ष बनते ही कही थी कि हम अपने मंत्रियों विधायकों से कह रहे हैं कि वो अपने एसेट्स का ब्यौरा दें। हाँ। नहीं दिया, कहाँ किसी ने दिया, काफी लोगों ने दिया हाँ। सबको देना नहीं दिया, उसके बाद अब उन्होंने कहा कि नहीं अब हम एंटी करप्शन मूवमेंट छेड़ेंगे, पार्टी चलाएगी, महेंद्र पाल को जिम्मा भी दे दिया गया है। आप उनको समझा बुझा रही हैं, वो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपकी सरकार की किरकिरी हो रही, तो क्या आपने समझाया किशोर उपाध्याय? महेंद्र पाल ये प्रस्ताव लाए थे,
करप्शन का प्रश्न पर वो लाए थे कि हमें स्वयं ही इसको गठित करना चाहिए ताकि बाहर के लोग उंगली ना उठाएं। इस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। अब अगर मान लिया हमारी सरकारी है उसमें कोई ऐसा बिंदु आता है तो हमारी सरकार भी उसकी जांच कर सकते हैं। आप लोगों पर एजेंसियां नहीं है करप्शन को रोकने के लिए? अब राजनीतिक दलों के करप्शन के खिलाफ अभियान, ऐसा कि जो एजेंसियां हैं उनको भी आप जानते हैं, विजिलेंस है और बहुत सारे सतर्कता विभाग हैं, बहुत सारे हैं, पर आपने देखा लंबे समय से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये कांग्रेस संगठन की एंटी करप्शन विंग रिजल्ट लाएगी आप लोगों को लगता है? यदि कहीं कोई हम लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ है, मंत्री तो विधायकों के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करेगी अपनी पार्टी के मंत्रियों को? अंदर अखबारों में थोड़ी करेगी, उस पर सवाल लेगी, क्योंकि बहुत सारे अधिकार होते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, टिकट दिया जाता है, उन पर भरोसा किया जाता है, इस भाव से ही बुलाए हैं इसको। कैसे मतलब क्या उनका मोडस ऑपरेंडी, कैसे जांच कैसे करेंगे, क्या उनके पास कोई एजेंसियां हायर करेंगे उनके कार्यकर्ताओं को? तो खुद किशोर उपाध्याय कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी 8000 पत्र दे चुका हूं, कार्यकर्ता के पत्र का जवाब नहीं मिलता है, कार्यकर्ता को तो मंत्री घर में घुसने नहीं दे रहे हैं, उनकी शिकायत रहती है, तो ऐसे में वो कहाँ से, वो कौन किस, क्या कोई दैविक चमत्कार से जांच करेंगे कि भाई देखिए इन मंत्री जी ने अच्छा काम कर दिया, ऐसी शिकायत तो उनकी नहीं रह सकती अगर आप मेरे घर चले जाएं कल से जब मैं जाऊंगी। आपकी व्यक्तिगत तौर पे आपकी बात नहीं हो रही है, ऐसा लगेगा कि मतलब अगर रात ना हो तो कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक घर है सब उठ के चले आते हैं। क्या उन्होंने बाकायदा मीडिया में बयान दे करके प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि करीब 8000 चिट्ठियां कार्यकर्ता की मुख्यमंत्री जी के यहाँ हैं, किसी के जवाब नहीं आए, मुख्यमंत्री जी पीसीसी में गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, इस तरीके से जवाब दे रहा हूँ, वो बात हुई थी तो उनको जब इतनी उनकी चिट्ठियों के जवाब नहीं आ रहे तो आप मंत्री लोगों के भ्रष्टाचार को कैसे खुलासा कर देंगे? चिट्ठियों के हो सकता है जवाब ना जाते हों, क्योंकि छोटा राज्य, अपेक्षाएँ बहुत है, काम बहुत होता है। मैं नहीं समझती आधा, अब भ्रष्टाचार कोई मंत्रियों का ही थोड़ी छांटेंगे, ढूंढने जाए कोई शिकायत आई या फलाना हुआ कि ऐसा हुआ तो उसमें वो चाहते हैं हमारी भी कमेटी गठित रहे, ताकि हम केवल बाहरी एजेंसी जो दूसरी पार्टियां करें उनके मुकाबले खुद ही तथ्य इकट्ठा करें, यही भाव होगा। यानी हमें अपनी सरकार की एंटी करप्शन एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम अपनी खुद की एजेंसी बनाएंगे और अपने मंत्री विधायकों को हम आईना दिखाएंगे। अब वो संगठन के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने एक चेताया भी हो सकता, बहुत सी भाषा होती है समझाने की, एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी, सावधान, संगठन जागरूक। मुख्यमंत्री जी ने आपको जिम्मा दिया कि भाई अध्यक्ष जी को समझाइए, आपने उनको नहीं, हम लोग कहीं बैठे थे, उन्होंने कहा भाई अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए उनकी, तो मेरी उनकी अपने ही घर में कई घंटे बातचीत हुई। टिहरी से विधायक दिनेश धने को एक और विभाग मिल जाता है इस ताज़ा एक्सपेंशन में कैबिनेट के में। किशोर उपाध्याय लगातार टिहरी पे दिनेश धने को लेकर के अपना दर्द आपकी पार्टी फोरम में, आपकी सरकार में और बाहर रख रहे हैं मीडिया में, आपने उनको एक और विभाग दे दिया, तो उनकी पीड़ा को क्या कांग्रेस संगठन के मुखिया की पीड़ा को सरकार समझ रही है? समझना चाहिए, मेरा ख्याल उन्हें विश्वास में लेकर ही दिए गए होंगे, उनको विश्वास में लेकर ही दिया गया होगा, क्योंकि तरीका है कि सरकार संगठन को विश्वास मिले, और संगठन हर हालत में बड़ा ही होता है सरकार से। तो मेरा अपना, क्योंकि इस बीच मेरी बात नहीं हुई, उन्हें मुख्यमंत्री ने विश्वास में लेकर विभाग कहीं किशोर उपाध्याय पीडीएफ के मंत्रियों को ही तो एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कई बार उन्होंने कहा कि इन पीडीएफ के मंत्रियों के जिलों में विधानसभा सीटों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उतनी अच्छी पूछ नहीं हो पा रही है, तो मे बी वहाँ वो कुछ करना चाह रहे हैं। स्वाभाविक होता है, मान लिया मंत्री किसी दूसरे विंग से आया है और कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा रहा तो वो थोड़ा सा अपने को उपेक्षित अनुभव करता है, स्वाभाविक बात है। मान लिया UKDK जो मंत्री हैं तो उनके साथ कांग्रेस के साथ ही नहीं उतना जुड़ पाते होंगे। चर्चा तो नहीं, यही तो चर्चा का विषय है कि ज़्यादातर लोग कांग्रेस से लड़ेंगे, तो जब कांग्रेस से लड़ेंगे तो किशोर उपाध्याय कहाँ से लड़ेंगे, ये प्रश्न तो पूरा जो बाहर सियासी गलियारों में चर्चा। हाँ, किशोर उपाध्याय की सीट थी जिससे टिहरी से लड़ते थे पिछली बार, उनकी प्राथमिकता किशोर उपाध्याय की होगी चुनाव लड़ने की, यदि वो लड़ना चाहेंगे। नहीं, दिनेश धने फिर जो आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं, उसने कहा मैं तो इंडिपेंडेंट ही जीत जाऊंगा। नहीं, उन्होंने तो मुझे मेरे खुद तर्कश इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐलान कर रहा हूँ कि मैं टिहरी से ही लड़के जीत के आया था, टिहरी से ही लड़ूंगा, कांग्रेस हो या भाजपा हो वो किसी को भी कैंडिडेट बना लें। ये खुलेआम कहते हैं वो, फिर भी आपकी सरकार में मंत्री हैं, एक और विभाग उनको दे दिया, हरक सिंह रावत से चिकित्सा शिक्षा था वो उनको दे दिया, गजब आप लोगों की सरकार है, दरिया दिली गजब है। नहीं, बात आपकी सही है, इसमें नाराजगी हमारे अध्यक्ष की रहती है,
इसमें दो राय नहीं, क्योंकि सीधा सीधा वो जुड़े हुए हैं उस मुद्दे से। जैसे किसी की दुखती रग पर हाथ रख दो तो उनके लिए ये है कि टेरी जो मेरी सीट थी वो नहीं जीते, उन्हें मंत्री बनाना पड़ गया, बाध्यता थी, हम पर संख्या बल कम था, एक एक व्यक्ति कीमती था, दिनेश थने भी नाराज हो गए थे एक दो बार, तो मन्ना मुन्नी को उनको साथ रखा। इससे कोई टिकट जिसे मिलेगा चुनाव तो वो लड़ेगा, तो अभी टिकट पर, लेकिन वो ये कहता है मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, ये भी बात सही है। तो किशोर उपाध्याय चूँकि अध्यक्ष हैं तो ऐसा कोई रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपनी सीट जीत ना पाए। ये जो सरकार और संगठन में खासतौर पर किशोर उपाध्याय और मुख्यमंत्री हरीश रावत में जो एक तरह से तमाम तरह की विरोधाभासी बयानबाजी मीडिया में आती हैं, इसके पीछे कहीं वो राज्यसभा का चुनाव तो नहीं है? हाँ ठीक है, राज्यसभा के चुनाव में उनकी नाराजगी थी, उनका ये कहना था मेरे पास चूँकि कोई सीट नहीं थी तो ये मुझे को मिलनी चाहिए थी और ये मुझे नहीं दी गई। हरीश रावत जी का कहना है कि इसका निर्णय हाईकमान को करना था, उन्होंने कर दिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। ये है रिफ्ट का एक कारण, राज्यसभा की सीट है अब, लेकिन वो सीट तो तय हो गई, अब वो वापस तो लौटेगी नहीं। अब ये अध्यक्ष पद पर है, कहीं और अकोमोडेट हो सकते हैं, अध्यक्ष है, टेहरी से जुड़ी कई सीटों से जीत भी सकते हैं, लेकिन वो ये तय करेंगे। अपनी सीट हर व्यक्ति को आसान होती है, मुझसे कोई कह दे भाई आप हल्द्वानी छोड़ के रुद्रपुर लड़िए तो मुझे नए सिरे से ज़मीन बनानी होगी। आपकी पार्टी विरोध करती है हरक सिंह रावत का, जो पिछले दिनों जो प्रकरण सामने आया, लेकिन किशोर उपाध्याय कहते हैं कि भाई बिना जांच के नतीजे आए उनको हम दोषी नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस के अंदर का जो झगड़ा है वो बाहर इस तरह से नज़र आता है कि पार्टी का मुखिया ही दूसरी पार्टी के नेता या विरोधी मुख्य विरोधी पार्टी के नेता के समर्थन में एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से खड़ा नजर आ रहा है। ये चुनाव से पहले जनता में एक तरह से भ्रम की स्थिति पैदा नहीं कर रही कि कांग्रेस के घर में तो बहुत झगड़ा है? अब वो चीज़ें सुधर गई, किशोर उपाध्याय की नाराजगी राज्यसभा की सीट को लेकर थी, अब उनकी नाराजगी कि वो कहाँ से लड़ें ये भी नाराजगी है। टेहरी में चूंकि वो जीते हुए हैं तो वो कोई जोखिम नहीं लेंगे अपने ऊपर, और मेरा ख्याल है उन्होंने अभी कोई सीट ढूंढी भी नहीं अपने लिए। भाजपा अब पर्दाफाश यात्रा पर निकल रही है, भाजपा का ये कहना है कि वो कांग्रेस सरकार के तमाम भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगी, तमाम नेता इसमें लगेंगे। हरक सिंह रावत ने खुली चुनौती मुख्यमंत्री हरीश रावत को दी है, वो धारचूला से अपनी पर्दाफाश यात्रा शुरू करेंगे। हरक सिंह रावत जिस तरह से एग्रेसिवली बैटिंग कर रहा है, आपको लगता नहीं कि आप लोगों के लिए, क्योंकि वो आप लोगों के राजदार भी हैं, उन्होंने खुद को विभीषण कहा भी है, तो ये घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति तो नहीं बन जाएगी आप लोगों के लिए चुनाव में? 10-10 आपके विभीषण जब आप लोगों को कि जो कमजोरियाँ हैं वो बताएंगे जनता को भी और भाजपा को भी। पर्दाफाश वो कर सकता है जो खुद साफ सुथरा हो। भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत भी की, हमारी पार्टी में भी साथ रहते हुए सभी लोगों के कहानियाँ, उनके आरोप प्रत्यारोप ये बहुत सारे हैं, तो पर्दाफाश वो कर सकते हैं, उन्हें पर्दाफाश की भाषा बोलते ही नहीं जो साफ सुथरे हों। तो अभी दूध का धुला तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा जो पर्दाफाश करेगा, इनमें से भाजपा के हो चाहे वो हमारे साथ ही गए, कोई दूध का धुला नहीं, इनके पर्दाफाश का जनता पर कोई असर नहीं होगा। आप देख रहिएगा ना कोई नई कहानी है इनके पास, ना कोई नया मुद्दा है इनके पास, ये रहस्य बना के बोलते रहेंगे। ये तो इसका मतलब है कि जनता के पास तो दो विकल्प हैं, कांग्रेस और भाजपा, उसको एक की तरफ बढ़ना है, तो क्यों जनता कांग्रेस की तरफ बढ़े, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए, जनता कांग्रेस की तरफ इसलिए बढ़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता में रहने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई खुलेआम है कि जो पूर्व विधायक इनके आने से भड़क गए, उन्होंने कहा हम तो बगावत कर देंगे, और जो नहीं बगावत के स्वर बोल रहे हैं उन्होंने अभी अपनी पार्टी को कह दिया हम बगावत कर देंगे, हमारा टिकट कटा। तो अब दो सवाल हैं, जो हमसे गए हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टिकट नहीं दे पाएगी, और नहीं दे पाएगी तो जो दो नेता इन्हें ले गए सबको, बहुना जी और हरक सिंह, तो फिर उनके लिए भी जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है राजनीति में, ऐसा नहीं ज़्यादा कष्ट भाजपा को है, वो तोड़ ताड़ के तो ले गए, अब ये किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें लड़ाते हैं तो एक और तो उन्हें भाजपा नहीं जीतने देगी, दूसरी ओर कांग्रेस ही नहीं जीतने देंगे, तो इनके सामने तो जीत का भी संकट है, टिकट का भी संकट है, तो इसलिए चिंता भाजपा करे हम लोग। आप लोगों को चिंता नहीं, आप लोगों में यूनिटी उस तरह नज़र नहीं आ रही, बिखरी बिखरी सी कांग्रेस की टीम नज़र आ रही है, तो भाजपा इसका फ़ायदा उठाएगी? मुख्यमंत्री जी अपने रास्ते चल रहे हैं, इंदिरा जी अपने रास्ते हैं, यशपाल जी अपने रास्ते हैं, प्रीतम सिंह अपने रास्ते हैं, तो इसका फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को? आप लोगों को जरूरत नहीं कि एक अम्ब्रेला के कांग्रेस का चुनाव का अवसर होगा और कोई अपने रास्ता, सब चाहेंगे सरकार बने, सरकार तभी बनेगी जब सब जीतेंगे। अगर हम सोच लें हम जीत लें बाकी का देखा जाएगा, तो होगा विधायक,
फिर सरकार तो नहीं बनेगी, सरकार में ही बैठ के कुछ कर सकते हैं। आप खुद चुनाव लड़ेंगी, बेटे को चुनाव लड़ेंगी, चर्चाएं हैं कि आप बेटे को चुनाव लड़ा सकती हैं, इस तरह की चर्चाएं रहती हैं सियासी गलियारों में। ये चुनाव मैं स्वयं लड़ रही हूँ। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी आपके हिसाब से? देखिए ये कह देना भविष्यवाणी उत्तर थी, लेकिन जहाँ मैं हूँ, जितनी बेल्ट मैं देख रही हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम सीटें मिल रही हैं, तराई में भी और नैनीताल जनपद में, उससे ही मैं आकलन कर रही हूँ। तो हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरह से डॉक्टर इंदिरा हृदयेश कुछ चीज़ों को स्वीकारती भी हैं, बिल्कुल बेबाकी से जो चीज़ें रखी जा रही हैं आजकल तमाम तरह की जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि कांग्रेस में सब कुछ सहज नहीं है, वो खुद भी मानती हैं कि किशोर उपाध्याय की नाराज़गी है, उसको एड्रेस किया जाना चाहिए, और सरकार को मंत्रियों को लेकर के भी बहुत सी बातें उन्होंने कही हैं। नमस्कार।